दुनिया में आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राम मंदिर मुद्दे पर हो रही सियासत में अब AIIM नेता व सांसद असुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। ओवैसी ने शुक्रवार को हैदराबाद में कहा, कमलनाथ ने साबित कर दिया है कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस में कांग्रेस की बीजेपी और RSS की बराबर भूमिका थी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों हिंदुत्व की विचारधारा पर काम करती है। ओवैसी ने आगे कहा, अब हम उम्मीद करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी में अयोध्या में जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसमें राहुल गांधी को साथ ले जाए, क्योंकि जो काम राजीव गांधी ने शुरू किया उसे मोदी जी मुकम्मल कर रहे हैं। मोदी जी अब उस कार्यक्रम में जाए तो राहुल को साथ ले जाए, ये अच्छा रहेगा कि राम श्याम की जोड़ी रहेगी। वहीं इस बयान पर PCC चीफ कमलनाथ बोले, कोई कुछ भी कहे, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया कि राम मंदिर हमारे देश के हर व्यक्ति का है। दरअसल कमलनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा था, राम मंदिर का क्रेडिट बीजेपी नहीं ले सकती, इसमें राजीव गांधी के रोल को नहीं भूलना चाहिए, उसकी तारीख को नहीं भूलना चाहिए। कमलनाथ इस बात को पहले भी कई मंचों से दोहरा चुके हैं। ओवैसी ने कहा, कमलनाथ ने बिल्कुल सही कहा, हम तारीख को इसलिए नहीं भूल सकते क्योंकि जब पहली दफा रात के अंधेरे में चोरों की तरह मस्जिद के अंदर आइडल रखे गए थे उस वक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री GB पंत साहब थे, मुसलमानों के लिए मस्जिद बंद कर वहां पूजा की इजाजत दी गई, उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार थी। ये बात सही है कि राजीव गांधी के जमाने में धोखा देकर ताले खोले गए, मुस्लिम पक्ष को बुलाया नहीं गया। जज साहब ने 25 से 30 पेज का ऑर्डर 5 मिनट में दे दिया। कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार ने ताले खुलवा दिए और बूटा सिंह ने शिलान्यास किया। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ, धन्यवाद।